हेलो गाइस, मैं हूं जतिन चौहान और आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा कि जो यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं एंड उनके बीच में हमने सीखा कि डिफरेंस क्या क्या होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि जो यूकेरियोटिक सेल्स है उसमें भी कुछ डिफरेंट होते हैं, जैसे कि एनिमल सेल, प्लांट सेल। तो देखते हैं, ऑल यूकेरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, कि सभी यूकेरियोटिक सेल्स सेम नहीं होते हैं। जैसे प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट, अलग होते हैं। एज द फॉर्मर पजेस सेल वॉल्स, प्लास्टिड्स एंड ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सेल वॉल एंड सेंट्रल वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड, ऐसे ही बहुत सी चीज प्लांट सेल में पाई जाती है। ऑन अदर हैंड, इससे हम दूसरी तरफ देखें तो जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि एब्सेंट रहते हैं प्लांट सेल में। ऐसे ही बहुत सी चीज है जो इनमें डिफरेंट रहती है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में, वो हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे। यूकेरियोटिक सेल्स को सीखने के लिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उनकी स्ट्रक्चर से। सबसे पहले देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होती है, फिर उसके अंदर ऑर्गेनेल्स क्या क्या होती है, फिर उनको डिटेल में हम पढ़ेंगे कि कौन सी ऑर्गेनेल्स कहां पर प्रेजेंट होती है एंड उसका वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लांट सेल से। सो मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट सेल में एक यूनिक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सबसे पहले उसकी सेल वॉल बनाई है सेल की। सिंगल लेयर बनाने के बाद फिर इस पे डबल लेयर कर देंगे। ये हमारी हो गई है सेल वॉल। सेल वॉल के जस्ट जो नीचे वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएंगे। इसको भी डबल लेयर में कर देंगे हम कन्वर्ट। इसको हम बोलेंगे जो अंदर वाली लेयर है उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद मैंने बताया कि इसमें वैक्यूल होते हैं प्लांट सेल में, तो सबसे पहले वैक्यूल बनाते हैं हम। सबको डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन कर देंगे क्योंकि एक तो इनकी लेयर है उसके ऊपर एक बाउंडेड जो मेम्ब्रेन होती है वो बनाएंगे हम दूसरी। फिर होता है इसका न्यूक्लियस, जो इसका मेन पार्ट होता है जिसमें कि हमारा जेनेटिक मटेरियल फिट रहता है। ये तो क्या न्यूक्लियस, इसकी मेम्ब्रेन हम साइड में थोड़ी सी दिखा देंगे।
वैक्यूल्स हमारा न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें होते हैं फिर साइड में यहाँ पे लगे रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके क्या लगे रहते हैं राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको हम डिनोट करते हैं ई आर से। अब देखिए जो राइबोसोम्स भी इस पे अटैच है तो राइबोसोम जिस पे अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बिल्कुल प्लेन है मतलब सर्कल है लेकिन उनपे राइबोसोम्स अटैच नहीं है तो उनको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम्स अटैच नहीं है। और इसमें कुछ होते हैं क्लोरोप्लास्ट इनके हम फंक्शन बाद में सीखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा इसको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। सेल्स का आपको पता होगा जो पावर हाउस होता है इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया बना देते हैं ये थोड़ा यहां से बाउंड रहता है मिडिल पॉइंट्स का इसको हम क्या बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। जो कि सेल्स का क्या होता है पावर हाउस। ये क्वेश्चन क्या रहता है कि सेल्स का पावर हाउस क्या होता है तो हम बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ इसमें गोल्गी बॉडीज होती हैं उनका फंक्शन भी काफी होता है वो हम बाद में सीखेंगे तो गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज इनको हम गोल्गी अपैरेटस भी बोलते हैं जब इनके बहुत सारे सेगमेंट बन जाते हैं ग्रुप बन जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये हो गया यहाँ पर जो बीच में जगह है ये इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर कोर। न्यूक्लियर कोर का क्या काम होता है कि जब न्यूक्लियस के अंदर कुछ ट्रांसफर करना हो या फिर उसमें से कुछ एमिट करना हो बाहर निकालना हो तो न्यूक्लियर कोर के थ्रू वे मेटेरियल सबसे हम बोल सकते हैं अंदर के बाहर जाएंगे। और जो ये सारा मैटर फ्लूड रहता है इसमें जिसमें सारे ऑर्गेन्स बिखरे रहते हैं उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म फ्लूड होता है जिसमें कि सेल ये सेल के अंदर होता है जिसमें कि सारे ऑर्गेन्स इसके ऊपर ही चिपके रहते हैं। ये जो बीच में जगह दिख रही है आपको सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में इसको बोलते हैं प्लाज्मा लैमिना।
जैसे इसमें न्यूक्लियर पोर होता है न्यूक्लियस के अंदर, ऐसे ही जो सेल वॉल के बीच में ये पोर्स है इनको हम बोलेंगे प्लाज्मा डर्मा। ये न्यूक्लियर पोर हो गए, ये हो गए न्यूक्लियर एनवेलप। इसमें डेंस पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। कुछ हमारे यहां पत्ती टाइप के इसमें सेल्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। कुछ गोले गोले से बने रहते हैं उनको बोलते हैं पर ऑक्सीजोम्स। और जैसे मैंने बताया कि राइबोसोम्स होते हैं, कुछ राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच रहते हैं और कुछ राइबोसोम्स बिखरे रहते हैं राइबोसोम्स। सो फ्रेंड्स यही है प्लांट सेल की स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारी आती है सेल वॉल, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर हमने बनाया इसमें वॉक्यूल्स, फिर न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर एनवेलप हो गया है, ये न्यूक्लियस हो चुका है, बीच में न्यूक्लियर जो डेंस पार्ट होता है एंड ये जो साइड में जगह दे रखी है उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ऐसे ही जो सेल का पावर हाउस होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ गोल्गी अपार्टस होते हैं, गोल्गी बॉडीज बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट हो गया एंड जो ये सारी ऑर्गेनिज्म जिसमें चिपकी हुई है बिखरी हुई है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सो फ्रेंड्स ये प्लांट सेल की स्ट्रक्चर एंड जो हमने ये ऑर्गेनिज्म बताई हैं इन सब के बारे में हम धीरे धीरे लेक्चर में पढ़ते जाएंगे। अब हम देखेंगे कि एनिमल सेल्स कैसी होती है। अब हम इसमें बताएंगे एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर एंड उसमें जो ऑर्गेनिज्म होती हैं वो सब इसमें बताएंगे कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनती है और क्या क्या उसमें ऑर्गेनिज्म पाई जाती है। एनिमल सेल सबसे जो आउटर पार्ट होता है आपको पता है कि जो अभी मैंने बताया इसमें कि जो एनिमल एंड प्लांट सेल होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है बट जो एनिमल सेल होती है उसमें प्लांट सेल नहीं होती, इसलिए सीधे इसमें क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम क्या करेंगे डबल स्ट्रक्चर में बनाएंगे। फिर जो ये ऊपर बनते हैं ये होती है माइक्रोविली, इसका मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये किस वर्क में काम आती है। माइक्रोविली भी छोटे छोटे रहते हैं सेंट्रियोल्स, और जो सेल का पावर हाउस बोलने वाला जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, फिर वो बोलेंगे
सबको डबल बाउंड इनमें करेंगे क्योंकि ये एनुअल पे आता है इनका, माइटोकॉन्ड्रिया छोटे छोटे गोले से वो रहते हैं जिनको हम बोलते हैं पेरोक्सिसोम्स। फिर इसमें बना देंगे हम लाइसोसोम्स, तो बना देंगे थोड़े बहुत इसमें राइबोसोम्स। अब हम इसमें बनाएंगे जिसका मेन पार्ट था न्यूक्लियस, इसमें होता है जो जहां जगह रखी है ये होता है न्यूक्लियर कोर। यह मेरा न्यूक्लियर एनवेलप, ये चार तरफ इसको कवर रखता है लेकिन हमने एक साइड बनाया है दिखाने के लिए। यह गाइस इसमें न्यूक्लियस ये पूरा जो हो गया ये हो गया न्यूक्लियस। इसका जो डेंस जो सेल के अंदर लिक्विड पड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसमें सारी ऑर्गेनेल्स बिखरी रहती हैं। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये जगह है, ये क्या होती है कि सेल के अंदर क्या चीज जानी है या सेल से क्या चीज बाहर जानी है उसको ही ये चीज कवर करते हैं। इनको बोलते हैं पिनोसाइटिक वैक्यूल फॉर्मिंग। कुछ इसमें रहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और यहाँ रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस के एनवलप से अटैच जो रहते हैं। अगर इन पर राइबोसोम्स अटैच हैं तो इनको ही बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये बिना राइबोसोम्स के हैं, जैसे बहुत सारे बिना राइबोसोम्स के होते हैं, तो इनको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ इनमें गोल्गी बॉडीज होती हैं। सो फ्रेंड्स ये एनिमल सेल की स्ट्रक्चर, जैसे कि इसमें हमने क्या देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, माइक्रोविलिया होता है, माइक्रोविलिया वर्क क्या होता है, अगर जो सेल्स को कुछ अंदर लेना है जैसे कि हमने बताया पेरोसाइटिक वैक्यूल फॉर्मिंग होता है, इनसे क्या होता है कुछ भी चीज अंदर आ रही है या बाहर जा रही है तो ये पेरोसाइटिक फॉर्मिंग होती है सारे इन पोर्स में, तो इनसे ही
कुछ सब्सटेंस अंदर या बाहर जाना होता है, तो जब अंदर जाना होता है तो फिर जो सेल्स है उसका सरफेस एरिया बढ़ना होता है, तो बढ़ने के लिए क्या होता है, इनका वर्क होता है माइक्रोबिलिटी। आप देखते हैं कि जो जो स्प्रिंग होता है उसको अगर हम खींचते हैं तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, तो ये भी यहाँ पर क्या काम करते हैं, ये स्प्रिंग का काम करते हैं माइक्रोबिलिटी। तो सेंट्रल्स हो गए, इनका वर्क में आगे बताऊंगा फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस होते हैं, पेरोक्सीसोम्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, कुछ गोल्गी बॉडीज होते हैं, जो न्यूक्लियस होता है जो इसमें साइड में जगह रहती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, बीच में डेंस पार्ट है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, एंड इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो पूरे सेल्स में चिपचिपा पदार्थ रहता है, फ्लूइड लाइक सारा पड़ा रहता है, जिसके अंदर सारी ये ऑर्गेन्स अटैच रहती है। एंड ये बाहर सेल मेम्ब्रेन वही नहीं बता दिया है, न्यूक्लियर एनवेलप जो कि न्यूक्लियस का कवरिंग एरिया होता है, बाहर की लेयर होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। एंड ये सर्कल में है माइक्रो ट्यूब्यूल्स। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरह से समझ आ गया होगा, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं।